السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا

ओलमा की तकरीरें सुनते हैं प्यारे नबी की नातों से अपने ईमान को जगमगाते हैं और आमाल साल की तरगीब से अपने आमाल को संवारने की कोशिश करते हैं लेकिन आज की ये महफिल एक ऐसे आलिम दीन के ताल्लुक से है एक ऐसे इमाम के ताल्लुक से है कि जिस इमाम का एहसान तमाम मुसलमानों पर सैकड़ों साल से है और कयामत तक रहेगा जिनका एहसान उनके बारे में आज कुछ गुफ्तगु होनी है उस सिलसिले में मैंने सूरह तोबा ग्यारहवें पारे के दूसरे रुकू की पहली आयत करीमा की तलावत की है इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक का वाल इरशाद फरमाता है वाबकून सबसे पहले पहले जो लोग ईमान लाने वाले हैं सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं अब सबसे पहले कौन ईमान लाए इसी सिलसिले में हदीसों में बड़ा इख्तलाफ है बाज़ ये कहते हैं कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली हैं। बाज़ हदीसों से ये साबित है कि सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सिद्दा कुबरा रदी अल्लाह तहा की ज़ाते ग्रामीण बाज़ हदीसों से ये साबित है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकरीसों से ये साबित है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत जैद इबन हारसा हैं ये मुख्तलिफ हदीसें हैं असल आलिम वो होता है जो हदीसों के दरमियान मुताबत ततबीक पैदा करता है यानि वो ऐसा मतलब निकालता है उसका कि किसी हदीस में टकराव न रहे इख्तलाफ नहीं रहे लोगों के जहन को खराबी से बचाया जाए तो ये जो ईमान लाने के बारे में मुख्तलिफ हदीसें हैं इस पर हजरत सिदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह की बात हमें याद आती है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से लोगों ने इन हदीसों को बयान किया जो कि हजूर एक हदीस से ये साबित है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर हैं और एक हदीस से ये साबित है कि सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत कुबरा हैं प्यारे नबी की पहली बीवी हजरत ख है की सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला आली है और कुछ हदीसों से ये साबित है की प्यारे नबी सल्लाम के मखसूस गुलाम हजरत जैद बिन हारसा रदी अल्लाह तैयलान हो यह सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं तो बात समझ में नहीं आती है कि कौन हदीस सही है कौन सही नहीं है तो आपने फरमाया कि सब हदीस सही है हदीस तो सभी सही है तो उन्होंने सवाल किया फिर इसका मतलब क्या है तो आपने फरमाया कि सुनो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर हैं और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजा हैं और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत आली है और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत जैद बिन हारसा हैं इससे ये पता चल गया कि ये चारों हदीसें सही हैं और चारों का मतलब भी अपनी जगह पर सही है तो हदीसों को मुआफ़कत करना मुताबकत करना तदबीक देना यह हर आलिम का काम नहीं होता है एक हदीस को पढ़ लिया अब उसको लेकर के वो भागना शुरू कर दिया यही सही है बाकी सब बेकार माजल्ला नहीं असल आलिम वो होता है कि जो हदीसों को समझने की कोशिश करे अल मुजत फ बाज हदीसों से आदमी गुमराह हो जाता है लेकिन अल्लाह ने जिसको फकीह बनाया है जो फकाह के की जमात है वो उससे मोती और मूगे निकाल लेते हैं गुमराह है नहीं होते गुमराहों को सही रास्ते पर लाते दुरूद पाक पड़िए अल्लाहना वो शफी ना मौलाना मुहमदी शफी ना मोलाना मुहम्मद वारिक वम सलातू वसलाम आल या रसूल आज की ये जो महफिल है ना जरा समझ बूझ करके बातों को सुनने की जरूरत है कुरान पाक का इर्शाद वेकून अल अव्वलून सबसे अगले पहले लोग जो ईमान लाए हैं मिनल मुहाजरीन वल अंसार चाहे वो मुहाजिर हो चाहे अनसार हो मुहाजिर कहते हैं जिन्होंने ईमान लाने के बाद अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए अपने मुल्क को बाल बच्चों को सब छोड़ करके खुदा के दीन को फैलाने के लिए दूसरे दूसरे मुल्कों में चले गए दूसरे दूसरे शहरों में चले गए वो है मुहाजिर सबसे पहले मक्का छोड़ करके मुसलमानों ने हिजरत की है वो मुल्क हबशा की तरफ अफ्रीका का एक मुल्क था हबशा अब उसका नाम बदल गया है लोथोफिया या क्या नाम हो गया उसका लेथोफिया एथोपिया पहले उसका नाम था हबशा तो सबसे पहले मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई दोबारा भी हबशा की तरफ हिजरत फरमाई उसके बाद मदीने की तरफ हिजर, हिजरत करना शुरू किया और सबसे ज्यादा मुसलमान मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके गए उनको कहा जाता है मुहाजिर और उनका मकाम अल्लाह ताला के यहां बहुत बुलंद है बहुत ऊंचा है तो अल्लाह ताला फरमाता है वह साबकून अल अवलून सबसे अव्वल सबसे अव्वल अव्वल साबिक साबिक ईमान लाने वाले मिनल महाजरीन वल अनसार चाहे वो महाजिर हो चाहे अनसार हों वल्लिन तबऊ हम बेहसान और उसके बाद जिन लोगों ने अखलास मोहब्बत के साथ इनकी इतबा किया पैरवी किया इनका साथ दिया इनके कहने पर चलते रहे इनकी तरह इनके इनके नक्शे कदम की पैरवी करते रहे वल्लिन तबाहम बेहसान खुलूस के साथ मोहब्बत के साथ इनकी पैरवी करते रहे इनके बाद गोया महाजिर अंसार और उसके बाद उनके पैरवी करने वाले रदी अल्लाह व रदुआन ये तीनों जमात ऐसी है कौन तीनों जमात अंसार महाजरीन और उनकी इतवा करने वाले महाजरीन अनसार और उनकी इतवा करने वाले ये तीनों जमाते ऐसी हैं कि रद्ला वरदु अन अल्लाह उन सब से राजी हो गया है वरदु हो और वो सब अल्लाह से राजी हो गए हैं अल्लाह उनसे राजी है वो अल्लाह से राजी हैं। वहम जन्नत अल्लाह तला ने मुकर कर रखा है उनके लिए जन्नत को इन तीन जमातों के लिए जन्नत लिखी जा चुकी है रजिस्टर्ड हो चुकी है जन्नत तजरी तहतहल अनहार वो जन्नते जिसके नीचे नहरें बह रही हैं अब वो दूध की नहर हो शहद की नहर हो शरबत की नहर हो लेकिन वो नहरें बह रही हैं उसके नीचे खालिदीन फी अबदा ये तीनों जमातें हमेशा उसमें रहेंगी तीनों जमातें हमेशा खालिदीन हमेशा उसमें रहेंगी जालिकल फौज अज़ीम और ये बहुत बड़ी कामयाबी है ये कामयाब होने की सर्टिफिकेट कौन दे रहा है अल्लाह तबारक बताना गोया ये तीन जमाते जो है ये सबसे ज्यादा कामयाब जमाते हैं और ये जन्नती जमाते हैं अब जिनके बारे में आज हमको गुफ्तगु करनी है उनके बारे में इजमालन आप सुन लें कि उनकी पैदाइश सहाबे क़राम के जमाने में हुई उनकी पैदाइश हाबे कर राम के जमाने में हुई तो अगरचे वो सहाबी नहीं है क्योंकि सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की निगाह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान ही पर उस देखने वाले का खात्मा हुआ वो सहाबी है तो हजरत अबू हनीफा ने इमाम आजम ने प्यारे नबी को सर की आंखों से नहीं देखा लिहाजा आप सहाबी नहीं हैं, लेकिन सहाबी के दौर में आप पैदा हुए हैं तो अब सहाबी का इतवा करने वाले हैं और सहाबी की जो इतवा करने वाला हो उसकी पैरवी करने वाला हो उसको ताबे कहते हैं शरीयत की जुबान में उसको ताबे कहते हैं और उस जमात को ताबेन की जमात कहते हैं तो अब ये तीन जमातें कुरान पाक में हुई महाजरीन अनसार और ताबेन ये तीनों जमातें वो हैं कि अल्लाह ताला इनसे राजी है और वो अल्लाह ताला से राजी हैं वो जन्नत में हमेशा रहेंगे और उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है ये कुरान पाक का हुक्म है कुरान पाक की ये आयत करीमा मैंने इसीलिए तिलावत की है जिससे ये मालूम हो जाए कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ये अल्लाह से राजी हैं अल्लाह से राजी ये जन्नती हैं और हमेशा जन्नत में रहने वाले हैं ये कामयाब हैं और सबसे बड़े कामयाब हैं फौजुल आजीम सबसे बड़ी कामयाबी उनका कदम चूम रही दरुद पाक पढ़िए एक हदीस पाक भी मैं सुना दू असयना

प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लोकान दीनो इन दसैया लजहब भी रजलुम मिन फारस अगर दीन दीन ये रात और दिन नहीं दीन जिस पर हम चलते हैं जो हमारा दीन है इस्लाम अगर दीन जमीन से उठ जाए पूरी जमीन दीन से खाली हो जाए अगर दीन इस दुनिया से उठकर आसमान की इंतहाई बुलंदी सुरैया तक पहुंच जाए सुरैया एक सितारे का नाम है जो बहुत ऊंचा सितारा है मिररेख से भी ऊंचा है चांद से भी ऊंचा है ऊंचा सितारा है तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दीन पूरी दुनिया से सिमट करके गायब भी हो जाए आसमान और उसकी इंतहाई बुलंदी को पहुंच जाए लौकान दीन और इंदस सुरैया अगर दीन आसमान की इंतहाई बुलंदी को पहुंच जाए लजहाबा बी जहाबा माने अजहाबो माने जाना बेही माने लाना यही सब फर्क होता है ये अरबी जो पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे सब ये सब अगर सही तरीके से अरबी पढ़ लें तो वो कुरान को समझ करके जब कुरान को समझने लगेंगे तो दुनिया और दुनिया की हुकूमत उनके गोया ठोकरों में होगी उसकी कोई हैसियत नहीं बाकी रहती है जब कुरान को आदमी समझना शुरू कर देता है तो लजहाबा भी ही उस गए हुए दीन को ले आएगा वो दीन जो दुनिया को छोड़ चुका है वो दीन जो आसमान की बुलंदियों पर है उसको ले आएगा लजहब भी उसको ले आएगा कौन रजनुन एक शख्स अब वो शख्स कौन होगा मिन फारस वो मुल्के ईरान का होगा फारस का होगा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तन ही वो जाते ग्रामी है कि जो इमामों में जितने इमाम गुजरे चार इमाम तो मशहूर है जिसका नाम हम और आप जानते हैं लेकिन चार के अलावा चार सौ से ज्यादा इमाम उस जमाने में थे जिस जमाने में ये चार इमाम मशहूर हुए हैं अपने तदवीन फिका के एतवार से उस जमाने में चार सौ से ज्यादा इमाम मौजूद थे और सबका अपना अपना फिका था सबका अपना अपना मसला था लेकिन ये चार इमाम इसलिए मशहूर हुए कि इन्होंने तमाम मसाइल को इकट्ठा करके मुसलमानों के सामने पेश किया है। हजरत सिंह युद्ध इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ने कुरान और सुन्नत से तेरासी हजार दर्जन ताकत तेरासी हजार मसाइल कुरान और सुन्नत से उन्होंने निकाले और इतना मसला निकालने वाला कोई भी इमाम उस जमाने में नहीं था तो उस जमाने में जबकि 400 से ज्यादा इमाम थे ये चार इमाम मशहूर हुए और उन चार इमामों में इमाम आजम का जो मकाम है वो अपनी जगह पे मुसलम है और उनके दादा फारस से आए थे और वो मामूली खानदान के नहीं थे मिर्जबान खानदान के थे जो वहां बादशाह था किसी जमाने में उस खानदान की के वो सपूत थे जिनका नाम था नोमान इनके दादा का भी नाम था नोमान हजरत इमाम आजम के दादा का नाम भी नोमान था और वो उनके बाप का नाम मिर्जबान था तो हजरत नौमान वहां से मुंतकिल होकर के अपने मुल्क को छोड़ करके हजरत से उमर अल्लाह रजियला के दौरे ग्रामी में जब ईरान को मुसलमानों ने फतेह किया और वहां इस्लामी झंडा लहराया उस वक्त वहां के बहुत सारे लोग अरब के अंदर चले आए मक्के में चले आए मदीने में चले आए इराक में चले आए अदन में चले आए जहां उनकी गुंजाइश हुई वहां आकर के बुदोबाश उन्होंने अख्तियार की जैसे इस हुकूमत ने हमारे सूरी नाम को जब आजाद कर दिया तो वहां के बहुत सारे लोग यहां चले आए चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो छोटी फैमिली हो बड़ी फैमिली हो यहां बहुत सारे लोग चले आए तो जब ईरान को मुसलमानों ने फतह किया तो ईरान के लोग जो इस्लाम ला चुके थे वो ईरान को बात कह करके अरब के अंदर चले आए उन्हीं में से हजरत ऐसी नोमान भी थे रदी अल्लाह तोलान वो जब आए तो उन्होंने अपना क्याम कोफे में किया कोफे में क्यों किया इसलिए कि हजरत उमर रदी अल्लाह हजरत उमर रदी अल्लाह अपने दौर में इस शहर को आबाद किया कोफा को और आपकी ये ख्वाहिश हुई कि जितने अहले इल्म हजरात हैं इल्म वाले लोग हैं तफसीर बयान करने वाले लोग हैं तारीख द लोग हैं जोग्राफिया जानने वाले लोग हैं जो बड़े इल्म के माहिर हैं लगत के इमाम हैं, उन लोगों को वहां आबाद किया जाए ताकि वो शहर अपनी जगह पे मशहूर हो जाए तो एक शहर के अंदर कूफा के अंदर एक एक वक्त में चालीस चालीस हजार मुहदसिन हुआ करते थे इतना मशहूर और मरूफ वो शहर हो गया हजरत से अब्दुल्ला इब्न मसूद रजियल्ला जो प्यारे नबी के सहाबियों में एक अजीम सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ये लड़का आप देख रहे हैं जब इतने छोटे थे वो तो वो ईमान लाए थे मक्के मुकर्रमा के अंदर अपनी वालदा के साथ आए थे और इतनी कम उम्र में वो ईमान लाए और जब ईमान लाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे अब उनका काम क्या था प्यारे नबी जब वजू फरमाते तो वो पानी लाते जब प्यारे नबी जूता उतारते तो वो उस जूते को उठाकर अपने सीने से लगाते जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते तो मिसवाक को लेकर के साफ करके अपने पास रखते ये काम था हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह होगा। सारे सहाबियों के लिए प्यारे नबी के घर में जाने की इजाजत नहीं थी कुरान की ममानियत थी कुरान ने मना कर दिया था कि तुम प्यारे नबी के घर में बिला इजाजत नहीं जा सकते हो इजाजत लेकर के जाओ लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के लिए प्यारे नबी सल्हली वल्लम ने इजाजत लेकर के आने की इजाजत दी और सिर्फ यही नहीं बल्कि फरमाया कि जब तुम्हारा दिल चाहो दिल चाहे चाहे वो रात का वक्त हो दिन का वक्त हो कोई भी वक्त हो तुम मेरे घर में बिला इजाजत आ सकते हो तो वो जब भी चाहते थे चले जाते थे चले आते थे सहाबे के राम ये समझने लगे कि अहले बहते रसूल में से ये हैं प्यारे नबी अलैहि वसल्लम के घराने में से ये हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का एक फर्द है ऐसा समझने लगे हजरत अब्दुल्ला अबिन मसूद को उनको भी हजरत उमर रदी अल्लाह ने अपने दौर में कोफे के अंदर भेजा वहां जाकर के इल्म को फैलाओ और उन्होंने जब वहां जाकर के इल्म हदीस को फैलाया है तो हजारों हजार महदसिन उन्होंने बना दिया हजारों हजार महदसिन उनकी तालीम से बन गए ये उनके इल्म का आलम था हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद के और ये बड़ी खुशी की बात है कि तमाम इमामों ने किसी न किसी सहाबी को अपना रहनुमा बनाया है और उनके अकबाल को लिया है लेकिन हमारे इमाम इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तु ने हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद को अपना रहनुमा बनाया है उनसे रवायतें ली हैं उनसे प्यारे नबी के अहवाल सीखे हैं उनसे प्यारे नबी के हालात मालूम किए हैं और उनके साथ गोया के अपनी जिंदगी को गुजार उन्हीं की रवायत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की है اللهم صل على سيدنا محمد जरूर पाकड़ी अल्लाह सफी मौलाना मुहमद वारिकलम सलात रसूल मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मैं आपको सुना रहा था लोक عند इंदर अगर दीन दुनिया से सिमट कर आसमान की बुलंदियों पर भी चला जाएगा लजहबा भी रजलुम मिन फारस तो फारस का एक शख्स उसको उतार ले आएगा उसको ले आएगा हजरत सिंगदना अल्लामा ताला रहमतुल्ला जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे मुहद्दिस आजकल तो और वो हाफिजुल हदीस भी थे हजरत अहमत लाफिज हदीस जानते हैं किसको कहते हैं यहाँ तो चार हदीस हम याद कर लेते हैं तो सोचते हैं कि लोग हमको हाफिज हदीस कहे एक मौलाना हमारे यहाँ तकरीर करने के लिए आए थे सौ पचास हदीस उनको भी याद थी तो लोगों ने उनको हाफिज हदीस लिखना शुरू कर दिया हाफिजल हदीस हाफिजुल हदीस उसको कहते हैं जिसको सिर्फ हदीस ही याद ना हो बल्कि जैसे ये हदीस मैं आपको सुना रहा हूं मुस्लिम शरीफ ने इसको नकल किया मुस्लिम शरीफ ने हजरत अल्लामा मुस्लिम रहमत इसको किससे सुना जिससे सुना उसके अहवाल कैसे थे उन्होंने किससे सुना उनके हालात कैसे थे उन्होंने जिससे सुना उनका खानदान कैसा था उनका अमल कैसा था उन्होंने जिस साहबी से सुना उस साहबी का मकाम किया था उस साहबी ने प्यारे नबी को किस हाल में सुना कैसे सुना वो पूरे पूरे यहां से वहां तक तमाम रावियों के अहवाल का भी वो हाफिज हो और इस हदीस का भी वो हाफिज हो और एक दो हदीस नहीं एक सौ हजार हदीस एक सौ हजार हदीस रावियों के अहवाल के साथ जिसको जुबानी याद हो वो हाफिजुल हदीस होता है उसको हाफिजुल हदीस कहते हैं हमारे इमाम इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तमताज तरीन हाफिजुल हदीस थे मुमताज तरीन हाफिजुल हदीस थे आम हाफिजुल हदीस की तरह नहीं थे उनकी शान और बढ़ी हुई थी तो हजरत अमामा सयोती रहमतल्ला फरमाते हैं कि यह हदीस जो मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि फारस का एक शख्स उसको उतार लाएगा वहां से इससे मुराद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की जरामी अब उन्होंने जब ये तय कर दिया कि ये इससे मुराद इमाम आजम की जत ग्रामी है तो अब किसी को इनकार की गुंजाइश नहीं उसके बाद जितने मुकल्दी उनके हैं जितने मानने वाले हैं अमामा सूती रब के ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि उनके कौल की रोशनी में इस हदीस से मुराद हजरत गिना इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तू की जरामी को ले हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ये इनकी पैदाइश की तारीख में इख्तलाफ है सन साठ स... सन सत्तर से लेकर सन अस्सी तक के दरमियान तीन रवायतें हैं बाज मौरखीन रवायत करने वालों का ये कहना है कि हजरत इमाम आजम सन सत्तर में पैदा हुए सन सत्तर का मतलब हुआ कि प्यारे नबी के पर्दा फरमाने के बाद तकरीबन साठ साल के बाद साठ से साठ साल के बाद हजरत इमाम आजम की पैदाइश हुई। एक रवायत है कि सन सत्तर में आप पैदा हुए दूसरी रवायत है कि सतहत्तर में आप पैदा हुए सात और सात सतहत्तर में आप पैदा हुए और तीसरी रवायत है कि अस्सी में पैदा हुए सन अस्सी में पैदा हुई ये नहीं कि एक सौ अस्सी दो सौ अस्सी अभी चौदह सौ बत्तीस है चौदह सौ बत्तीस है तो तकरीबन साढ़े तेरह सौ साल पहले पौने चौदाह सौ साल पहले हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तु की पैदाइश हुई है और उस वक्त साहब क़राम मौजूद थे अभी आपने डच जुबान में सुना कहां-कहां कौन साहबी मौजूद थे तीन आदमियों का जिक्र इन्होंने किया और मक्का और मक... मदीने तैयबा को लेकर के पांच आदमियों का जिक्र किया लेकिन रवायतों में उससे भी जायद साहब कराम का जिक्र हमें मिलता है कि जिनकी खिदमत में हजरत सिद् इमाम आजम अबू हनीफा हाजिर हुए हैं वहाँ बैठे हैं उनसे हदीसें सुनी है उसको याद किया है और उस हदीस को दूसरों से बयान किया है हदीस को सुना भी और हदीस की रवायत भी बयान की किससे सुना सहाबे रसूल से सुना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठने बैठने वालों से सुना है और उस हदीस को बयान किया है और ये मकाम व मरतबा सिवाए इमाम आजम अबू हनीफा के और किसी इमाम को हासिल नहीं चाहे वह हजरत सिगदना इमाम मालिक की जाते ग्रामी हो हजरत सिग्गदना इमाम शाफी की जाते ग्रामी हो या हजरत सिगदना अहमद बिन हम्बल की जाते ग्रामी हो इन चारों मशहूर इमामों में से किसी इमाम को ये शरफ हासिल नहीं हुआ कि उन्होंने किसी सहाबी से कोई हदीस सुनी हो और उस हदीस को बयान करने की इजाजत उस सहाबी से मिली हो और फिर उस हदीस को उन्होंने बयान किया हो ये शरफ किसी भी इमाम को नहीं तो ये अल्लाह ताला का खास फजल है कि हम और आप उस इमाम के मुखलिद हैं उस इमाम की तकलीद करते हुए अपने आप को हनफी कहते हैं हनफी कहलाते हैं और इन इस तस्बत की वजह से हमारी अजमत अल्लाह व रसूल के हैं हाँ हमारी बड़ाई शरीयत के अंदर भी है अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नस्बत की वजह से हमारी मक़फ़रत भी फरमाएगा और हमें कबूल भी फरमाएगा दरूद पाक पढ़िए अल्लास ये वो शफफी नाउ मौलाना मुहमद सैदना वह शफी नाउ मौलाना मुहमदिन वारिक वम सलातों ख सैदी या हबीबी या रसूल सल्हसम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह आप सुन चुके हैं कि एक दो मुहद्दस से नहीं एक दो मुफसर से नहीं चार हजार मुहदसिन कराम से आपने हदीस रसूल सुनी आदीसे रसूल सीखा है चार हजार मुहदसीन कराम से उनकी बारगाहों में हाजिर हुए प्यारे नबी की हदीसें सुनी और उसको याद किया और कैसा याद किया है किस तरीके से याद किया उनके एक उस्ताद थे हजरत मुहदिस इमाम आमश मशरदी अल्लाह तमाम आजम के उस्ताद थे लेकिन उनका हाल ये था कि वो जब हदीस बयान करते थे तो पहले उस हदीस को इमाम आजम से सुनते थे अपने शागि से पहले अपने अपने, अपने शागि से उस हदीस को सुनते उसकी रवायत की इजाजत लेते तब उसके बाद दूसरों से वो हदीस बयान किया करते थे ये शांति हजरते इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह खुद इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तो के एक दो मुहदस शागिर्द नहीं थे दो रवायतें हैं एक रवायत में यह है कि आपके शागिर्दों की तादाद चार हजार थी चार हजार मुहदसिन आपके शागिर्द थे चार हजार मुहदिस चार हजार शागिर्द आपके थे और दूसरी रवायत यह है कि दस हजार शागिर्द आपके थे और उन दस हजार शागिर्दों में सुन रहे हैं कि नहीं आख निंदा रही है उन दस हजार शागिर्दों में चालीस शागिर्द इश्ते पर फायज थे दर्ज इश्तेद पर फायज होने का मतलब ये था कि वो लोग ऐसे मुहदस थे ऐसे मुहदस और ऐसे मुफसिर थे ऐसे तारीख दा थे ऐसे जोग्राफिया दा थे ऐसे लगत के जानने वाले थे कि वो कुरान सुन्नत से मसाइल निक, मसाइल निकालने की कवत ताकत रखते थे वो मुश्तहिद होता है आम मौलाना लोग मुस्तिद नहीं होते इस्तेहाद करने का हक हमें आपको नहीं है आलिमों को नहीं है यहाँ तक के आला हजरत फाजिले बरेलवी रजियला को भी मुश्त नहीं कहा जा सकता है आप भी मुस्तिद नहीं थे मुस्तिद का मकाम उसका दर्जा बहुत बुलंद होता है बहुत बाला होता है तो आपके शागि में चालीस हजरा चालीस ऐसे हजरात हैं कि जो मकामी इश्तेद पर फायज थे मुश्त थे और जब कोई मसला सामने आ जाता तो ये सब के सब बैठते आपस में बहस होती दलाल पेश होते कुरान और सुन्नत की दलीलें दी जाती कुरान की आयतें पढ़ी जाती हदीसें पेश की जाती हाबे क़राम के आसार पेश किए जाते और उसके बाद चालीस हजरात मिल करके किसी मसले का फैसला करते थे और जब फैसला हो जाता था तो हजरत सि इमाम अबू यूसुफ या हजरत सिद्ना इमाम मोहम्मद उसको लिख लिया करते थे उसको तहरीर में ले आया करते थे और अगर कोई मसला हल नहीं होता तो क्या करते थे तो इमाम आजम का ये तरीका था के खुदा की बारगाह में गिरियोजारी के साथ दो रकत नमाज पढ़ते और दुआ करने से पहले चालीस खत्म कुरान करते एक दो नहीं चालीस खत्मे कुरान करते और उसके बाद दुआ करते कि परवरदगार ये मसला हल नहीं हो रहा है अपनी तरफ से हमारे ऊपर फजलो करम के दरवाजे खोल दे ताकि इस मसले को हम लोग मिलकर हल कर सकें और कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला उस मसले की वजाहत इनके जहन में डाल देता था और उस मसले की वजाहत आप बयान फरमाते थे हजरत इमाम आजम के जो फिका है आम का जो फिका है इमाम आजम का जो फिका है वो कोई इनफरादी कोशिश का नतीजा नहीं है बात के इमामों ने चाहे वो इमाम शाफी हों या हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हों इन हजरात के अपने इल्मो काविश और अपने इस्तेहाद के नतीजे में मसाइल सामने आए हैं लेकिन इमाम आजम ने जो फी तरतीब दी है जो फी मसाइल बयान किए हैं वो तनहा एक आदमी की कोशिश का नतीजा नहीं है बल्कि कम से कम चालीस हज़रत मुश्तिद ने इकट्ठे होकर के उसको तय किया है लिहाजा वो मसला इनफरादी नहीं है बल्कि शुराई है यानी मजलिस शूरा ने उसको तय किया है मजलिस मुंतजमा ने उसको तय किया है और आज लोग कहते हैं कि इमाम आजम सत्रह हदीस जानते थे क्या क्या उनके खिलाफ बकवास हो रही है और ये ऐसा होता आया है अल्लाह ताला जिसको अजमत देता है ना लोग उसके ऊपर गर्दो डालने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे लेकिन अल्लाह ताला जिसको चमकाए उसको कौन गदला कर सकता है इमाम आजम को जो अजमतें अल्लाह तला ने अता फरमाई है उसको कोई कम नहीं कर सकता है बल्कि दिन ब दिन वो बढ़ता ही जाएगा आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तरमाते हैं कि जो मसला इमाम आजम की बारगाह में पेश नहीं हुआ और जिस मसले की का तस्फिया इमाम आजम ने नहीं फरमाया वो कयामत तक मुस्तरब रहेगा उसका कोई फैसला नहीं हो सकेगा वो मुस्तरब रहेगा ये आला हजरत का इर्शाद है जिनके इल्म की कोई था, कोई था नहीं है जिनके फन को कोई नाप नहीं सकता है उनका यह फरमान है कि जो चीज इमाम आजम के यहाँ तय नहीं हो सकी वो कयामत तक मुश्तरब रहेगी लोग उसमें इख्तलाफ करते रहेंगे और इख्तलाफ का दरवाजा खुला हुआ रहेगा हाँ जिस मसले को तय कर दिया है इमाम आजम ने वो अपनी जगह पे तय हो चुका है आला हजरत फाजल बरेलवी रजी अल्लाह तनहो के फतावा रिजविया को अगर आप देखें तो मालूम होता है कि वाकई आला हजरत रजियाल्लानो ने फे हनफी का हक अदा कर दिया जो दलाल किसी आलिम के जहन में नहीं आ सके उन तमाम दलाल को आला हजरत ने इकट्ठा किया और आला हजरत की जाहत तो अपनी जगह पर है आला हजरत के एक एक शागिर्द मलिकुल मलकुलमा मौलाना सैयद जफरुद्दीन मलिकुल मलकुल्लमा बिहारी रहमतुल्लाह रहमतल जो आला हजरत के शागिरदों में से हैं आला हजरत के शागिर्द हैं उन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा के जो मसाइल हैं मसायले हनफिया उन मसाइल पर जो हदीसों को इकट्ठा किया है उसकी इससे ज्यादा मोटी मोटी जखीम जिल्दें, नौ जिल्दें हमारे अजीज सुबहानी ने उसको इकट्ठा किया सुबहानी ने उसको तरतीब दिया है इनशाला वो छप करके बहुत जल्द सामने आएगी वो अरबी जुबान में है हर मसले पर हदीसे से रसूल हर मसले की ताइद में हर मसले के दली दलाइल में हदीस रसूल वसल्लम को हजरत मलिका ने बयान फरमाया है उस किताब का नाम रखा है जाम उ रजवी और दूसरा मशहूर नाम है उसका सही उल बिहारी जैसे सही उल बुखारी है वैसी ही ये सही उल बिहारी है

ये मदीने तैयबा के इमाम थे मदीने तैयबा में रहते थे लेकिन उनका आलम यह था कि जब इमाम आजम वहां बार रिसालत में हाजिर होते तो ये अपनी जगह छोड़ दिया करते थे अपनी मसनद जहां वो बैठा करते थे उस जगह को छोड़ दिया करते थे और वहां इमाम आजम को बैठाया करते थे इमाम आजम की शागिर्दी उन्होंने अख्तियार की इमाम आजम के वो शागिर्द हुए हैं उनसे एक शख्स ने मसला पूछा कि हुजूर ये बताइए अगर किसी आदमी के पास दो कपड़े हों उन दो कपड़ों में से एक पाक है एक नापाक है और दोनों कपड़ा मिल गया है पता नहीं कौन पाक था कौन नापाक था दोनों कपड़ा आपस में मिल गया बक्स में रखा हुआ था एक उसमें पाक है एक नापाक है नमाज का वक्त आ गया अब वो किस कपड़े को पहन करके नमाज पढ़े हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ने गौर फिक्र फरमाया और जवाब दिया कि उस शख्स को तहर्री करना चाहिए तहरी का मतलब हुआ दोनों कपड़े को सामने रखे और सोचे कि कौन पाक है दिल का जो फतवा हो दिल जो इतमान दे दे उसको मुतमिन कर दे कि ये पाक है उस कपड़े को पहन करके वो नमाज पढ़ ले तो सवाल करने वाले ने कहा कि हजूर यही सवाल हमने इमाम आजम अबू हनीफा से भी किया था तो उन्होंने तो कुछ और जवाब दिया है तो वो बैठ गए अदब के साथ और फरमाया उन्होंने क्या जवाब दिया है उन्होंने जवाब ये दिया है कि उस आदमी को चाहिए कि एक कपड़ा पहन करके नमाज पढ़े और ये नमाज उसके लिए काफी न होगी बल्कि दूसरा कपड़ा पहन करके फिर नमाज पढ़े दो मरतबा नमाज पढ़े तो हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह तु फरमाते हैं कि हक यही है जो उन्होंने बताया हक यही है सही जवाब यही है जो उन्होंने बताया धुरु पाक पढ़िए अल्लाह आला सिदना वह शफी ना मौलाना मोहम्मद सदना वह शफी इना मौलाना मोहम्मद बारिक वलिम उनके बाद हजरत इमाम शाफी का मकाम आता है इमाम मालिक के बाद करोड़ों आदमी उनके भी मानने वाले हैं उनकी इक्तदा करने वाले हैं शाफी हैं करोड़ों एक दो नहीं हमारा अगर दस बीस मुरीद हो जाता है तो हम समझते हैं कि हम भी पीरसा हो गए हम भी मौलाना हो गए लेकिन करोड़ों आदमी उनकी इक्तदा करने वाले हजरत इमाम शाफी रजी अल्लाह कालान होकर वो फरमाते हैं कि कोई भी फकीर उस वक्त तक के कामिल हो ही नहीं सकता है जब तक के वो इमाम आजम की किताबों का मुताया न करे मैं जो फकीर हुआ हूं फरमाते हैं कि मैं जो फकी हुआ हूं यह उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद की देन है कि उनकी किताबों का मतला करने के बाद फिका की सलाहियत मेरे अंदर पैदा हुई मैं इस बात को समझ सका कि फिका क्या चीज है <deduction> फिका ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की प्यारे नबी सल्लाम फरमाते हैं हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तुईीज के रावी हैं प्यारे नबी फरमाते हैं मैदिल भी खैरन यु फ हो फिद्दीन अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है जिसके दर्जे को बुलंद करना चाहता है जिसको कामयाब करना चाहता है यु फ हो फिद्दीन तो वो दीन का फकीह उसको बना देता है वो फकीह हो जाता है तो जब फकीह का ये मर्तबा है दूसरी हदीस में प्यारे नबी फरमाते हैं कि फकीहन वाहिद उन अरशद शैतान शैतने मिन अल्फे आब्दीन और कमाकालन नबी वसल्लम एक फकीह शैतान पर इतना भारी है कि लाख इबादत करने वाले भी शैतान के मकर को जायल नहीं कर पाएंगे जितना एक फकीह जायल कर देता है तो ये फकीह की अजमत को प्यारे नबी ने बयान फरमाया फरमाया कि अगर अल्लाह ताला किसी के दर्जे को बुलंद करना चाहता है मयूर दिल्ला भी खैरन उसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो यो फक्ते हो फिद्दीन तो उसको दीन का फकीह बना दिया करता है जब ये फकीहों का मकाम है तो इमाम आजम फकीहों के फकीह हैं इमाम, इमाम, इमाम आजम अफकहुल फा तमाम फकीहों के फकीह हैं हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि मेरे अंदर जो फकाहत है मैं जो दीन का इमाम बन गया हूँ ये दैन है ये अतिया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इमाम का नाम है हजरत इमाम मोहम्मद हजरत इमाम मोहम्मद का ये अतिया है उनकी ये दैन है उनसे मैंने पढ़ा है उन्होंने हमारे ऊपर नजर कर्म किया है ये हजरत इमाम मोहम्मद जो हैं ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों में से शागिर्दों में से और ऐसे शागिर्द हैं कि इन्होंने इतनी मोटी मोटी दर्जनों किताबें लिखी उस जमाने में जबकि लिखना मुश्किल था दर्जनों किताबें सहरे सवीर है सहरे कबीर है जाम सवीर है जाम कबीर है मुख्तलिफ मोटी मोटी जखीम किताबें उन्होंने तरतीब दी उन्होंने लिखी अंग्रेजों ने जब उनकी तहरीरों को देखा किताबों को देखा तो कहा जब इस छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद का क्या आलम होगा सल्लाम और वो देख करके ईमान ले आया मुसलमान हो गया सिर्फ उनकी कोशिश को देख करके तो हजरत इमाम मोहम्मद ये उस्ताद हैं हजरत इमाम शाफी के और सिर्फ उस्ताद ही नहीं हैं बल्कि सौतेले बाप भी हैं बाप भी हैं हजरत इमाम मोहम्मद ने उनकी बेवा माँ से शादी फरमाया था निकाह फरमाया था इस एतबार से इमाम आजम के बेटे के बेटे हैं ये इस एतबार से वो बेटे के दर्जे में है हजरत इमाम शाफी और इमाम शाफी के शागिर्द हैं अहमद बिन हम्बल जिनके लाखों चाहने वाले और लाखों उनके मोतिद उनकी पैरवी करने वाले हैं अब इससे अपने इमाम का आप अंदाजा लगाइए कि दीगर इमामों का ये हाल है उनके सामने में तो इमाम आजम का क्या हाल होगा अल्लाह तला ने कितनी बुलंदी आपको अता फरमाई है दुरूद पाक पड़गी अल्ला सदना व शफी ना मोलाना मोहम्मद सयदना व शफी ना मौलाना मोहम्मद वारिक वा वसलम सलातूँ साम सदी या, या हबीबी या रसूल एक बात जहन में ये आ रही है कि जब फिका की तदवीन और फिका की तरतीब सब सबसे पहले ये इमाम आजम ने दी है मसायले दीनिया को एक जगह इकट्ठा इमाम आजम ने किया है और उनसे पहले क्या होता था साहब इक्राम के जमाने में कि किसी मसले की जरूरत किसी साहबी से होती साहबी को होती तो अपने से ज्यादा जानकार के पास जाते और उनसे मसला पूछते और उस पर अमल कर लिया करते थे ये तरीका था उन हजरात का किताबें तरतीब नहीं दी जा चुकी थी किताबें नहीं लिखी गई थी एक जगह मसायल इकट्ठे नहीं हुए थे बल्कि जिस मसले की जरूरत होती थी किसी साहबी को वो अपने से ज्यादा जानकार साहबी की खिदमत में हाजिर होते मसला पूछते और फिर उसके मुताबिक वो अमल करते थे अच्छा मसला पूछने में हालांकि बड़े बड़े साहबी थे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये प्यारे नबी के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ऐलान हो इनको सैदुल मुफस्रन कहा जाता है सैयदुल मुफसरीन का मतलब हुआ कि कुरने पाक की जितने मुफस्िरों ने तफसरें की हैं उन सबके वो सरदार हैं प्यारे नबी ने उनके बारे में दुआएं फरमाई थी प्यारे नबी को जब कुरने पाक सुनने का शौक होता कुरने पाक सुनना चाहते तो हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास की जुबान से सुना करते थे ऐसे थे हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रजियल्ला लेकिन फिका के मामले में ये तो सईदल मुफसरीन थे लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक एक लाइन में अगर कोई बहुत आगे है तो सब लाइन में आगे हो ये जरूरी नहीं ये अल्लाह ताला का फजल है कि किसी किसी आलिम को दो दो चार चार छ आठ आठ लाइनों में आगे कर देता है अब आला हजरत को देखिए पचास से ज्यादा लाइनों में वो आगे हैं अपने महासर ओलमा से उनके जमाने में जितने ओलमा थे और आज तक जितने ओलमा हैं उनसे पचासों लाइन में आला हजरत फजल बरेलवी रजाल आगे हैं तो यह अल्लाह तला का फजल है जिसको चाहता है अता फरमा देता है कोई मुफसर यह न समझे कि हम मुहद्द से आगे हैं कोई मुहदस ये न समझे कि हम किसी फकीह से आगे हैं कोई फकीह ये नहीं समझे कि हम किसी अम दीन से इमाम दीन से आगे हैं अल्लाह ने एक पर एक को फजीलत दी है एक पर एक को बढ़ाया है तो हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रज अल्लाह तैयलान हो ये हजरत ओब इब्न काब वह हाफिज कुरान भी थे फकीर भी थे उनसे जाकर के सबक लिया करते थे उनसे सबक लेते एक मरतबा का वाक ऐसा हुआ कि खूब गर्मी का मौसम था लू चल रही थी हवा चल रही थी गर्म हवा धूल उड़ रहा था और उस हाल में हजरत अब्दुल्ला अबन अब्बास हजरत ओबै इब्न काब के यहां उनसे मुलाकात के लिए कोई मसला पूछने के लिए तशरीफ ले गए देखा दरवाजा बंद आवाज नहीं दिया अदब के खिलाफ बात थी अपने उस्ताद को आवाज देकर के बुलाएं ये अदब के खिलाफ बात थी हम लोगों के दरम्यान से तो अदब बिल्कुल उठ ही गया खत्म हो गया हम अदब नहीं जानते कि अदब किसको कहते लेकिन हजरत अब्दुल्ला अब्बास ने देखा कि आवाज देना यहां तो बाप को भी आवाज देकर उठा दिया जाता है पीर मुर्शिद को भी आवाज देकर उठा दिया जाता है लेकिन उन लोगों ने बाजाबता अदब सीखा था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा दरवाजा बंद है आवाज नहीं दी बैठ गए दरवाजे पर गर्द गुब्बार चल रहा है रेत उड़ रहा है शांत की वजह से उनके सर से लेकर पांव तक गुबार आलूद हो रहा है आप बैठे हुए हैं घंटों के बाद जब हजरत उबैब ने कहा बेदार हुए उनको क्या खबर थी कि कोई दरवाजे पे हमारा इंतजार कर रहा है दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तशीफ फरमाए फौरन आगे बढ़े और कहा हुजूर आपने आवाज क्यों नहीं दी तो हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास ने फरमाया कि मुझे यही अदब सिखलाया गया है मुझे यही अदब सिखलाया गया है उसके बाद ओबै इब्ने काब आगे बढ़े और उनके गर्दो गुबार को साफ करने लगे कभी हाथ को चूमते हैं कभी पांव को चूमते हैं कभी कपड़े को चूमते हैं कभी पेशानी को चूमते हैं तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया ये क्या कर रहे हैं हजूर क्या मुझे यही सिखलाया गया है सादात के अदब करने का यही तरीका मुझे बताया गया है आपको वो तरीका बताया गया मुझको ये तरीका बताया गया है तो पहले के बुजुर्गों में ये अदब हुआ करता था लेकिन एक, एक ही शख्सियत में तमाम खूबियां जमा हो जाएं ये बहुत मुश्किल चीज है हजरत सिद्ना इमाम आजम अबू हनीफा रहा की जाते ग्रामी वो है कि अल्लाह ने बेशुमार खूबियों को इकट्ठा कर दिया था बेशुमार खूबियों का जामे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तो को बना दिया था दरूद पाक पढ़ भी अल्ला सदना वो शफी ना मौलाना मोहम्मद सदना वह शफी ना मौलाना मोहम्मद वारिकलम सलातूँ सदी या हबीबी या रसूल आखिरी बात अर्ज करूँ आखिरी नहीं एक दो बात और हजूर अक्रम सल्लाम इर्शाद फरमाते हैं मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरहा अजर मन आमिल अलहामाकाल नबीना सला तो जिसने कोई अच्छा तरीका निकाला अच्छा काम शुरू किया तो उस अच्छे काम के शुरू करने का सवाब उस आदमी को मिलेगा जिसने इब्तिदा की है और उसके बाद जिन लोगों ने उस काम को जिंदा रखा उस पे अमल करते रहे उन सबको भी उतनी ही सवाब मिलेगा और जितना सवाब उन लोगों को बाद में मिलेगा उन सब का मजमुआ शुरू करने वाले को मिलेगा फिर उसके बाद लोगों ने उसको जारी रखा तो उसको भी अल्लाह ताला उतनी ही सवाब देगा और उतना सवाब बीच वाले को भी देगा और फिर उतना ही सवाब शुरू करने वाले को भी देगा कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा अब आप सोचिए इमाम आजम अबू हनीफा ने जो मसाइल हमारे सामने रखे हैं अमल करने के लिए हमको दिया है दुर्र मुख्तार एक मशहूर किताब है फतावे की उसके अंदर लिखा है कि अड़तीस हजार मसाइल इमाम आजम के वो हैं जिसका ताल्लुक अमल से है और पैतालीस हजार वो मसाइल हैं जिसका ताल्लुक कारोबार से है कारोबार से और अड़तीस हजार वो है जिसका ताल्लुक इबादत से है दोनों को मिलाकर के तेरासी हजार हुआ अस्सी और तीन तिरासी हजार मसाइल जो इमाम आजम ने हमारे सामने रखे हैं आज तक उस पर अमल हो रहा है और हजरत मेहदी के आने तक अमल होता रहेगा ये सवाब तो हम लोगों को मिलेगा ही लेकिन जिन्होंने इसको शुरू किया है उनके नाम अमाल में भी ये सवाब जा रहा है अब इमाम आजम के नाम अमाल को आप देखिए कि अल्लाह तला ने कितना वजनी उसको कर दिया है कितने स्वब का अम्बार वहां जमा कर दिया है इमामों की बात आई है तो चाहे वो इमाम शरीयत हों चाहे वो इमाम तरीकत हो दो ही इमाम दुनिया में मशहूर है पूरी दुनिया में और उन्हीं का तरीका रायज है शरीयत के अंदर इमाम आजम का हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में क्यामत के दिन ताला हर तीन उम्मत में से दो उम्मत जन्नत में जाएगी हर तीन उम्मत में से दो उम्मत जन्नत में जाएगी दो बटा तीन दो बटा तीन यानी दो को ऊपर रखे और तीन को नीचे और जितना उसका आदत बनता है वो उतना हाँ तो उतना जन्नत में जाएगी और जितने मुसलमान दुनिया में हैं उसमें तीन में से दो इमाम आजम के पैरों हैं हर तीन में से दो इमाम आजम के पैरों हैं तो अल्लाह ताला ने ये फजीलत ये बरकत इमाम आजम को अता फरमाई है कि तादाद के एतबार से जितनी तादाद जन्नती होगी अल्लाह ताला ने तादाद के एतबार से उतने मुसलमानों को इमाम आजम का पैरों बना दिया है उनका मुख्तदी बना दिया है तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमामों में दो इमाम जो हैं शरीयत का एक इमाम सबसे ज्यादा मशहूर है और तरीक़त का एक इमाम सबसे ज्यादा मशहूर है शरीयत का इमाम इमाम आजम अबू हनीफा और तरीक़त का इमाम हजरत सकलैन, शेख अब्दुल अब्बुल्कदर जीलानी रदी अल्लाह तरीक़त के इमाम में गौसे पाक और शरीयत के इमाम में इमाम आजम ये दोनों हजरात इतने मशहूर हैं कि शरीयत का मसला जब तक चलता रहेगा उसका हिस्सा इमाम आजम को मिलता रहेगा और तरीकत का मकाम जब तक चलता रहेगा उस पर अमल जब तक होता रहेगा उसका सवाब हजरत गौ से पाक के नाम अमाल में जाता रहेगा <स्त्राण> पढ़िए अल्लाह सदना वो शफी नाउ मौलाना मुहमद आल वो शफी नाउ मौलाना मोहम्मद वारिक वा व ये सब तो शरीयत की बातें हुई नसब की बात भी आपने सुन ली कि इमाम आजम का नसब जो था वो फारसी थे फारसी नस्ल थे आप ईरान के रहने वाले थे नसब उस रोज जुमा में मैंने शुरू किया था लेकिन वो मैं मुकम्मल नहीं कर सका मुख्तसरन ये समझ लीजिए राब्ता जो होता है ताल्लुक जो होता है वो दो तरह का होता है एक तो खूनी ताल्लुक होता है रिश्तेदारी होती है खूनी रिश्तेदारी जैसे बाप है भाई है बेटा है ये सब खूनी रिश्तेदार है और एक होता है दूध के एतबार से रिश्तेदारी किसी खातून का दूध हमने पिया तो वो हमारी मां हो गई उसका शौहर हमारा रजाई बाप हो गया उसका बेटा हमारा रजाई भाई हो गया तो ये रिश्ता भी खुदा के यहां चलता है और तीसरा रिश्ता है रिश्ते मुसाहिरत यानी खूनी रिश्ता नहीं है दूध का रिश्ता नहीं है लेकिन ससुराली रिश्ता है ससुराली रिश्ता वो भी एक रिश्ता होता है जहां आपकी शादी हुई जिस लड़की से आपकी शादी हुई उसकी मां आपकी मां है उसका एहतराम वैसी ही करना है जैसे मां का करना है उसका बाप आपका बाप है उसका एहतराम वैसा ही होगा जैसे अपने बाप का हम करते हैं उसका भाई हमारा भाई है उसकी बहन हमारी बहन है ये नहीं कि उसकी इज्जत से हम खेलें, बल्कि उसकी इज्जत को हम बढ़ाएं ये शरीयत ने हमारे ऊपर लागू किया है ये जरूरी करार दिया है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तहों का ताल्लुक नसबी ताल्लुक खूनी ताल्लुक ये फारस से है लेकिन ससुराली ताल्लुक ये अहले बैत राम से है एक नई बात आपके लिए शायद होगी अहल बैत राम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ताल्लुक तो सहाबे के राम से है और एक ताल्लुक अहले बैत निजाम से है अहले बैत कराम की अजमत अल्लाह ताला के यहां बहुत बुलंद है अल्लाह ताला ने कुरने पाक के बाईसवें पारे में उसकी अजमत को बयान फरमाया है अहले बैत की अजमत को वो ये तह रकम तत बैत को अल्लाह ताला ने मुताहर कर दिया है पाकिजा कर दिया है उसकी अजमत बहुत बुलंद है इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तादा जिनका नाम नोमान था इमाम आजम का भी नाम नोअमान है नोमन नहीं नोमान नादा का भी नाम नोअमान था और बाप का नाम है साबित साबित तो हजरत नोमान यानी आपके दादा यह हजरत अली की बारगाह में अक्सर बेशतर आया जाया करते थे जरत आली के यहां बहुत लंबा हो जाएगा अहले बैत वो प्यारे नबी के घर वाले अहले बैत का मतलब हुआ प्यारे नबी के घर वाले चाहे वो बेटी की औलाद हो चाहे वो बेटी की औलाद हो।, हो चाहे बेटी की औलाद की औलाद हो वो सब अहले बैत है। प्यारे हैं प्यारे नबी फरमाते हैं मसलो अहले बैती कसफीनते नू मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे नूह आलाम की नाव उनकी कश्ती जो उस पर सवार हो गया वो निजात पा गया और जो उससे अलग रहा वो गर्क हो गया पानी में ये मकाम है अहले बैत के राम रजियाल्लाजमयन का तो हजरत साबित ये ये हजरत इमाम आजम के बाप हैं और हजरत साबित के बाप हजरत सिदना नोमान ये हजरत मौला अली कर्रमल्ला वजह करीम की बारगाह में अक्सर बेषतर आया जाया करते थे एक मरतबा अपने बेटे हजरत साबित को लेकर हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुए छोटे से थे हजरत साबित हाजिर हुए कहा हजूर इसके लिए दुआ फरमा दीजिए तो आपने हजरत साबित को अपनी गोद में बैठाया उसके चेहरे को मस्त किया हजरत आली ने चेहरे को सहलाया और उसके बाद हजरत साबित के लिए भी दुआ फरमाई और उनकी औलाद के लिए भी दुआ फरमाई अपनी गोद में बैठा करके दुआ फरमाई बरकत की दुआ दी हजरत साबित के लिए भी और उनकी औलाद के लिए भी तो हजरत इमाम आजम के पोते उनका नाम था कासिम इमाम आजम के पोते उनका नाम था कासिम और कासिम के बाप का नाम था हम्माद और हम्माद के बाप का नाम था इमाम आजम अबू हनीफा तो इमाम आजम के पोते हजरत कासिम ये कसम खा करके फरमाया करते थे कि हजरत मौला अली ने मेरे परदादा के लिए जो दुआ की और उनकी औलाद के लिए जो दुआ की उस दुआ का खुलासा इमाम आजम की स्तें ग्रामी उस दुआ का खुलासा इमाम आजम की स्तें ग्रामी है तो हजरत मौला अली करम करमल तजह करीम ने हजरत साबित के लिए दुआ फरमाई और उनकी औलाद के लिए दुआ फरमाई बात खत्म हो गई दरूद पाक पढ़ी अल्लाह अल्ला सदना वह शफफीना मौलाना मुहमद वारिक वि हजरत साबित जो हजरत इमाम आजम के वालिद हैं उनका निकाह कहाँ हुआ ये हजरत इमाम जैन आबिदीन जो इमाम हुसैन के मझले बेटे हैं इमाम हुसैन रजियल्ला के मजले बेटे हैं हजरत इमाम जैन आबिदीन उनका भी नाम अली ही था लेकिन जैन अलआदीन मशहूर नाम है हजरत जैन अलाब्दीन की बेटी हैं हजरत खदीजतरा ये हजरत हदीयत उसगरा का निकाह इमाम आजम के वालिद इमाम साबित से हुआ और उनकी औलाद इमाम आजम रदी अल्लाह तनहो की जाते ग्रामी है इस एतवार से आप पहुंच जाते हैं कराम में नंबर एक दूसरे ये कि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तनहो का निकाह हजरत फातमा मिस्टीन रदी अल्लाह तहा से हुआ और ये हजरत फातिमा मिस्किन इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तहो की बेटी हैं, उनकी शहजादी हैं। तो इमाम जाफर सादिक के दामाद भी हुए और हजरत जितना इमाम जाफर सादिक आपके खसुर खसूर भी हुए दो रिश्ता हुआ हजरत इमाम आजम के बेटे हजरत हमाद रदी अल्लाह तहो उनका निकाह हजरत मूसा का जिनका मजार पाक बगदाद शरीफ में है और जहां उनका मजार है उसको काजमीन कहते हैं तो हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाह तहो की बेटी हजरत फातमा, उनका भी नाम फातमा था अब औरतें सोचेंगी कि भाई ये क्या हुआ बेटी का भी नाम फातमा है दादी का भी नाम फातमा है माँ का भी नाम फातिमा है यहां तो लोग ऐसा नाम रखना ऐब समझते हैं कि हमारे तो बहन का नाम है हम कैसे रख दें हमारी माँ का नाम है हम कैसे रख दें भाई नाम बरकत के लिए रखा जाता है दिखलाने के लिए नाम नहीं रखा जाता है बा बरकत नाम रखिएगा तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें देगा तो हजरत हमाद की शादी हजरत फातमा से हुई जो हजरत मूसा काजिम रदी अल्लाह तनहो की साहेबजादी है इस एतवार से रिश्ते सहरिया ससुराली रिश्ता हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह तनहों का यह अहल बहत कराम से है इस तरीके से अल्लाह ताला ने दोनों दरियाओं का इमाम बना दिया इमाम आजमर दी अल्लाह को आज ये बारगाहिर सालत में सलतम पेश किया